गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। आज हम देखते हैं चैप्टर नाइन स्टैंडर्ड थ्री का पोएम नाइन, बलून मैन का पार्ट टू। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम वो बलून मैन की पोएम का सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट टू, उसमें क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बलून मैन स्टैंड। तो बलून मैन कहाँ पे खड़ा रहता है? द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट। वो मार्केट के बीचों बीच खड़ा रहता है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, व्हाट हैपन्स टू द बलून व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा आती है तब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड, व्हाट जब हवा आती है तब बलून्स द बलून्स फ्लाई हियर एंड देयर व्हेन देयर इज अ विंड। तो बलून्स यहाँ वहाँ पे फ्लाई मतलब वो उड़ने लगते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। तो बलून मैन बच्चे को क्या अच्छा लगता है? द चाइल्ड वॉन्ट्स द बलून मैन टू लेट लूज द बलून इन द एयर। ही वॉन्ट टू सी देम फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि बलून मैन उसके हाथ में जो स्ट्रिंग है जो उसने पकड़ रखी है, स्ट्रिंग का मतलब है बच्चों जो दूरी जो उसने पकड़ रखी है वो छोड़ दे तो और सारे बलून वो स्काई में ऊपर जाए। हाउ हाई कैन बलून्स कैन फ्लाई। तो बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो वो कितने ऊपर जा सकते हैं? तो जितनी बलून की साइज़ होती है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग उसकी साइज़। अगर वो बहुत ही बड़ा है तो वो ऐसे वो फ्लाई करेगा मतलब वो उड़ेगा, छोटा है तो उसकी साइज़ के हिसाब से वो उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना ऊपर जाता है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। आपको ये पोएम में क्या अच्छा लगा? तो द पोएट टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बलून। ये पोएम में क्या है कि ये जो पोएट है उसके पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे बलून्स है, राइट बच्चों। आप हम देखते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल वर्ड्स। यहाँ पे ये जंबल्स वर्ड्स है मतलब उसको रीअरेंज करके आपको सही करना है। तो उसमें है बच्चों फर्स्ट, तो फर्स्ट आप देख सकते हो बलून्स का स्पेलिंग है, राइट। फिर है फिर ब्लू, फिर है बिलो का स्पेलिंग, फिर लंच का स्पेलिंग है, फिर पीपल का स्पेलिंग है और लास्ट है कार्ट। किसका स्पेलिंग है? लास्ट कार्ट का स्पेलिंग है, ओके। आगे देखते हैं, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप। ये वर्ड्स को ऐसे ग्रुप में हमें, जैसे ये आप देख सकते हो नेचर के, ये नेचर। तो नेचर में क्या क्या कौन सा नेचुरल होता है? तो स्काई विंड एंड ग्रास। फूड, तो कौन सा फूड होता है? तो टर्नी पाइनएप्पल राइस। कलर्स, तो पर्पल ग्रीन वाइट एंड येलो, अलग अलग कलर होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज। ये टेक्स्ट बुक में ही एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। उसमें कलर्स ढूंढने के सारे और ऐसे नीचे आपको नाम लिखने के, जैसे वाइट रेड येलो ब्राउन वायलेट ब्लैक एक्सेट्रा, ओके। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर ऑपोजिट। यहाँ पे बच्चों ऑपोजिट वर्ड है, तो नेवर का आएगा ऑपोजिट, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्मॉल का ऑपोजिट बिग, रेनी का सनी, लो का हाई, सिट तो स्टैंड, नियर तो फार, ओके। यहाँ पे ये वर्ड्स है बच्चों, वो सिर्फ आपको रीड करने के। सो आपको बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, राइट बच्चों। ये सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर उस आपको नोटबुक में लिखने के। सो आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय।